गुड मॉर्निंग भाइयों, फ्रीजिंग कोल्ड है यहाँ पे। एंड रात का अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे हॉस्टल जैसी जगह पे सोने का, तो बेड्स ना बहुत ही चुन्नू से, देखो मेरा आधा हाथ खत्म और बेड ख़त्म। तो मैं जब लेफ्ट हो रहा था ऐसा लग रहा था लेफ्ट में गिर जाऊँगा, राइट हो रहा था राइट में गिर जाऊँगा। तो फर्स्ट टाइम, और साथ में दो लड़के और थे, एक तो US का लड़का था पैट, अभी खाना खाने गया, मिलेगा वहाँ पे मुझको डाइनिंग एरिया में। वो भी अपनी ट्रैवल स्टोरी सुना रहा था कि भाई वो 56 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका है। मतलब उसने कहा तूने फर्स्ट टाइम कभी होटल में, सॉरी फर्स्ट टाइम कभी तू हॉस्टल में रुका है? मैंने कहा हाँ भाई। कहता दैट मीन्स यू हैवन ट्रैवल्ड मच, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो सो देर विल बी अ चांस जहाँ पैसे बचाने के लिए हॉस्टल में रुकोगे। तो मुझे लगा भाई बात तो सही बोल रहा है, 56 कंट्री या 54 कंट्री जो घूम चुका है वो, 54 या 56 कुछ बताया था उसने, तो क्या बता, बात सही बोल रहा है। तो अभी सुबह की अगर बात बताऊँ तो मैंने लाइफ में सबसे क्लीन पब्लिक टॉयलेट आज देखा है। तो मेरे को सब रात से यही टेंशन थी टॉयलेट क्लीन होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई टॉयलेट तो मस्त क्लीन था। अब टाइम है कि मैं ब्रश करूँ और डाइनिंग एरिया में पहुँचाऊँ, क्योंकि बज रहे हैं 6:50 एंड 7:30 हमें निकलना है। तो फटाफट करता हूँ ब्रश एंड आई विल सी यू गाइस इन द डाइनिंग एरिया। तो आज का मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट मेन्यू चेंज किया, आज मैंने ब्लैक टी भी ऐड कराई है जस्ट बिकॉज कार्ड पेमेंट हो रही है यहाँ पे। एंड मैंने सैंडविच ऐड करवाया, जैसे कल खा रहा था ना दो स्लाइस वाला मैं विथ फ्रेंच फ्राइज, तो वैसा। तो आज थोड़ा लग्जरी में, कल का पता नहीं क्या हो। टारगेट था 7:30 निकलने का, लेकिन 7:40 सही है और आई थिंक 7:50-55 में निकलूँगा, ऑलमोस्ट 8 बजे। अब तक के पूरे ट्रैक में ना सबसे डिफिकल्ट और प्रॉपर ट्रैकिंग रूट अभी आया है, नो स्टेयर्स नथिंग, सारे बड़े बड़े बोल्डर से जाना है। एंड ये है हिमालय से देवराली का रास्ता, वो 2-2.5 घंटे, उसके बाद 1.5 घंटा माचापुचरा बेस कैम्प, 1.5 घंटा अन्नापूर्णा बेस कैम्प। लोग तो कह रहे हैं वहीं रुकना बेटर होता है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है अन्नापूर्णा बेस कैंप पे रुकने का। मेरा इरादा है कि फटाफट वहाँ फ़ोटो खींचूँ अपनी और देवयाली वापस आऊँ, क्योंकि मुझे परसों एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ़्लाइट है 29th की और परसों 28th होगा, तो एक दिन पहले तो पहुँचूँ मैं। चलो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्रॉस करना है। अब तक जितने पुल क्रॉस किए ना, ये छोटा सा था लेकिन रिस्की था, क्योंकि हिल बहुत रहा था और इसको बैलेंस करने के लिए पत्थर रखे हुए हैं, नहीं तो ये कभी भी लुढ़क जाए, गीली सारी लकड़ियाँ हैं। और हम यहाँ से क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर एक पुल है वो टूटा हुआ है, तो हमें पूरा नीचे से आना पड़ा नदी के पास से। पता नहीं वो लोग कब रिपेयर करेंगे, लेकिन हाथ किया तो उन्होंने ये भी जुगाड़ू पुल बना दिया, विच इज ग्रेट। यार इस ट्रैक पे झरनों का मजा बिल्कुल अलग है यार, बिल्कुल बारिश वाली फील आ जाती है। निशान, हेलो मीट निशान। हेलो गाइस, माय फ्रेंड फ्रॉम नेपाल, हम ऑन ट्रैक मिले हैं लेकिन बड़ी अच्छी दोस्ती हुई हमारे में, और मोस्ट प्रोबेबली हम ABC MBC साथ टच करने वाले हैं आज एंड वापस भी साथ आने वाले हैं। अपना आइडिया ये है कि यहाँ पे देवराली 15 मिनट का रास्ता रह गया, यहाँ बैग रखेंगे और गोली की तरह जाएंगे और गोली की तरह जाएंगे, सॉरी गोली की तरह जाएंगे और गोली की तरह आएंगे, की तरह जाएंगे हम। यस, तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी ना बैग रखने से। अब सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है MBC का माचापुचरा बेस कैंप, उसके आगे 2 घंटे का रास्ता है फिर अन्नपूर्णा बेस कैंप, तो 4 घंटे, और वापस आने का हम काउंट कर रहे हैं 2.5 घंटे, 6.5 घंटे अब से। तो 6.5 घंटे 11 बजे भी स्टार्ट करते हैं, 10 बजे 10 बजे एग्जैक्टली हम पहुँच जाएंगे, फिर भी 11 बजे भी स्टार्ट करते हैं तो 5:30 तक वापस, परफेक्ट है भाई। रोज़ जो अंधेरा होता है ना वो एग्जैक्ट 6 बजे होता है, आधे घंटे का बफर होगा अगर रेस्ट भी करें तो, आई थिंक डूएबल है अगर बैग्स रख देंगे तो। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ माचापुचरा बेस कैंप। अब यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर किया गुरुंग ब्रेड
जो काइंड ऑफ भटूरा जो खाते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही थी, साथ में आलू की सब्जी। एंड बाहर जो दिख रहा मुझे पूरा कोहरा ही कोहरा, बादल कोहरा कुछ भी कह रहे हो, यहाँ से जो कह रहे जो लॉन्च के ओनर, जो गेस्ट हाउस के ओनर के यहाँ से अगर धीरे 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 चलोगे 2 घंटे लगेंगे, यूजुअली लोगों को 1.5 घंटा लगता है। लेट्स सी, हमारी स्पीड तो आई थिंक 2 घंटे वाली ही होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2 दिन के एक्सपीरियंस, 3 दिन के एक्सपीरियंस है कि ये बारिश होगी, जस्ट बिकॉज बहुत बादल है और ये कह रहे मौसम यहाँ ऐसा ही रहता है, तो ऐसा ही रहे, बारिश ना हो तो हम वापस भी पहुँच पाएंगे जल्दी। तो आई एंजॉय माई गुरुंग ब्रेड, आलू की सब्जी। अब मिलते हैं आपको ट्रैक पे, 2 घंटे और एंड विल बी एट आवर डेस्टिनेशन। 5 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे और 6 बजे तक नीचे पहुँच पाएंगे ना। तो भाई 1 बज रहा है, नाउ वी आर पुशिंग टूवर्ड्स अन्नपूर्णा बेस कैंप। बारिश शुरू हो गई है, मौसम हो गया ख़राब, देख रहे हो भाई बादल ही बादल। टारगेट ये है कि 2 घंटे में वहाँ पहुँच के, 10 मिनट बता के 2 घंटे में वापस यहाँ पे, फिर यहाँ से 1 घंटे में हम जहाँ पे बैग रख के आए थे, क्या जगह नाम है, क्या नाम है, देवराली, वहाँ पहुँचना है। तो डूएबल लग रहा है, सारा डिपेंड करता है रेस्ट हम कितना लेंगे। अगर रेस्ट ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा अंधेरे में चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हेड टॉर्च नहीं है, तो चैलेंजिंग तो होने वाला है। तो भागो, जितना जल्दी मैं अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुँच पाऊँगा उतनी जल्दी वापस आ पाऊँगा। सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी विंडी होती जा रही है भाई, बादल ही बादल आ गए और बहुत तेज़ हवा चल रही है ठंडी ठंडी। जब मैं टोपी उतारता हूँ तो सर पे लगती है, टोपी पहनता हूँ तो गर्मी लगती है क्योंकि चल रहा हूँ मैं, पसीना तो आता ही है ना। और ये -10 वाली जैकेट है जो यहाँ पे आई थिंक 0 डिग्री वाली चल जाती है, और मेरे पास एक ही है। सिचुएशन ऐसी ही है भाई, लेकिन गुड पार्ट इज 1 घंटा मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, 1 घंटा और एंड देन अन्नपूर्णा बेस कैंप। अब यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ आप लोगों को, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, देखो नज़ारे। है ना मस्त, यही मज़ा आता है मुझे ट्रैक की सारी फील। मुझे जब लास्ट जो होता है ना सबसे ज़्यादा, जैसे जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप किया था तो गोरखशीप टू एवरेस्ट बेस कैंप, वो मेरे लिए बेस्ट नज़ारा था, और अब तक ये बेस्ट है। लेट्स रीच ABC एंड वहाँ करते हैं कैमरा ऑन, अनटिल अनलेस मुझे बीच में कुछ तगड़ी सीनरी दिख गई। तो फर्स्ट लुक ABC की, सिर्फ आई थिंक आधा घंटा और मोस्टली स्ट्रेट रूट ही है, तो अब मिलते हैं आधे घंटे बाद वहीं। आई डन इट गाइस, एक और टू डू लिस्ट में से चीज़ कंप्लीट, अन्नपूर्णा बेस कैम्प डन एंड डस्टेड। ये वहाँ जाके बोलूँगा वैसे तुम्हें, आधा घंटा बचा है अभी, लेकिन अब एक्साइटेड हूँ मैं थोड़ा सा, और मैं थोड़ी तेज़ भी चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पैरों में जान आ गई है, इतना तो ब्लैक कॉफ़ी से नहीं आई थी। गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अन्नपूर्णा बेस कैम्प, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेस कैम्प का फ्लैग और बोर्ड। चलो पास में चलते हैं, सिर्फ 30 सेकेंड की दूरी, ये मैं 10 सेकेंड में कम्प्लीट करूँगा भाग के, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। 3.5 दिन, 8 दिन का प्लान बनाया था, बाकी दिन क्या करूँगा, आई थिंक 1.5 दिन में मैं डिसेंड कर जाऊँगा, 3 दिन मज़ा आएगा। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं अन्नपूर्णा बेस कैंप, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। ये बताया तो था शायद 7 से 8 दिन का ट्रैक होगा, लेकिन 3.5 दिन में कम्प्लीट हो गया, ये अमेजिंग। बहुत यार डिफरेंट फीलिंग है यहाँ आने की, एवरेज मैं 18 किलोमीटर पर डे चलाऊँगा और कांट डिस्क्राइब इट यार, इट्स अमेजिंग। तो टाइम है थोड़ी फोटोज़ वीडियोज़ का, एंड तब हम वापस जाएंगे जहाँ पे हमने बैग्स रखे हैं और थोड़ी सी मस्ती करेंगे आज, थोड़ा सा शायद मैं आज पिज़्ज़ा खा लूँ, मन तो कर रहा है। तो नीचे जाके डिसाइड करूँगा, अभी फ़ोटो वीडियो टाइम।